अस्सलाम वालेकुम। गार्डनिंग विद प्लेजर में आपको खुश आमदीद। आज इनको आपने देख के पहचान लिया होगा कि आज मेरा टॉपिक कॉक्सकॉम रेसोलोशिया है और इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी जल्दी जल्दी। छोटी सी वीडियो होगी, इधर देखिएगा, कोशिश कीजिएगा एंड तक देख लें, आपके टाइम का मुझे बहुत अच्छी तरह एहसास रहता है। अच्छा जी, मैं बात कर रही थी कॉक्सकॉम की। ये वो पौधे हैं जिनको हम एक दफ़ा अपने घर में ले आते हैं तो फिर साल हर साल ये हमारे घर के लॉन की जीनत बने रहते हैं और सेल्फ सीडलिंग होती है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसे हमें बार बार लगाना नहीं पड़ता और उससे भी अच्छी बात यह है कि आपको इसको परचेज़ भी नहीं करना पड़ता। आप कहीं जाएँ किसी बहन भाई के घर, किसी फ्रेंड के घर, तो आप ये पौधा देखिए, ये कई रंगों में होता है। मेरे पास येलो में भी था लेकिन इत्तेफाक ये सारे रेड में ही हैं। तो इसके सीड्स बहुत इजी होते हैं कलेक्ट करने। जैसे ये है तो जब ये बड़ा हो जाता है तकरीबन, देखिए यहाँ से इस तरह से आप करेंगे तो इसके सीड्स आप पे गिर जाते हैं। आप टिश्यू में रख लीजिए और घर में लगा दें। इसका मौसम कोई भी नहीं होता। देखिए जब इसका मौसम होता है तो ये बहुत अच्छा खिलते हैं, लेकिन जब मौसम नहीं होता तब भी ये देखिए इस तरह से ये खिलते रहते हैं। और इसका मैं बात करूँगी पानी की, वाटरिंग की और सनलाइट की। तो सबसे पहले मैं सनलाइट की बात करूंगी कि सनलाइट इसको चाहिए होती है। और अभी जब ये विदाउट सीज़न हो तो फिर रेगुलर दीजिए, और अगर 6 इंच के पॉट में हो जैसे कि ये हैं तो आपको सनलाइट के साथ साथ इसके पानी का भी ख्याल करना पड़ता है। जैसे ड्राई होगा, अगर आपने इसको एक दिन भी पानी नहीं दिया तो 6 इंच के पॉट में हुआ तो ये लैगी हो जाएगा, बिल्कुल गिर जाएगा, आप समझेंगे ये डेड हो गया। इसलिए फ़ौरन इनको पानी दीजिए। दूसरी बात की सेल्फ सीडलिंग की बात मैंने की कि इसकी सेल्फ सीडलिंग हो जाती है। इसकी मिसाल ये है कि जब मैंने ये रेन लिली का रिपोर्ट किया था तो इसमें खुद ब खुद ये सीड चला गया होगा, तो ये देखिए चला गया, तो इसके ये इसी के अंदर ये प्लांट बन गया। और सेकंड ये कि ये भी 6 इंच के पॉट में मैंने जब मिट्टी डाली थी खुद ही बन गया, मैंने लगाया नहीं है। अच्छा, इनकी मुख्तलिफ शेप भी होती है। देखिए इसकी शेप थोड़ी सी चेंज है, ये देखिए। और अगर आपने अच्छी मिट्टी दी है और सॉफ्ट मिट्टी दी है कि इसके अंदर रेत हो या कोकोपीट हो तो उसकी जो है ग्रोथ बहुत अच्छी होती है विदाउट सीज़न भी। जैसे ये देखिए हर लीफ के साथ इसका ये इस तरह से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। और सेकंड ये है देखिए इसकी शेप, और थर्ड ये है ये बंचिस की सूरत में है। और अभी मैंने देखा कि इसमें एक और में भी ये पॉट में इसका लगा हुआ है, ये देखिए ये भी लगाना नहीं पड़ता, ये आप देखिए खुद ब खुद लग जाता है। अच्छा जी, मैं बात कर रही थी कि इसको आप पानी कब दें। पानी जब ज़मीन में ये होता है तो इसकी जो लंबाई है वो 3-3.5 फीट तक जाती है प्लांट की लंबाई, और फ्लावर भी उसी हिसाब से बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत होता है, आँखों को ये अट्रैक्ट करता है। और सेकेंड ये कि अगर आपने ये 12 इंच के पॉट में है तब भी ये इसकी ग्रोथ अच्छी है, और इसकी अगर 6 इंच के पॉट में रखेंगे तो प्लीज़ इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र या फर्टिलाइज़र का ख्याल रखिए ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी हो और विदाउट सीज़न भी होता है। और इसकी अगर हम बात करेंगे कि हम इसको कहाँ पर लगाएं, तो आप जहाँ पर भी लगा दीजिए आप यकीन कीजिए कि चल जाएगा, लेकिन छाँव में शेडेड एरिया में थोड़ा सा इसकी नशुमा भी नहीं होगी। और इसमें अच्छा एक और अच्छी बात यह है कि इसमें मिली बग्स वगैरह या स्पाइडर माइट नहीं लगते। मेरा एक्सपीरियंस है कभी भी इसके अंदर मैंने स्पाइडर माइट वगैरह नहीं देखा। जैसे ये देखिए साफ़ सुथरे बिल्कुल इसके लीफ होते हैं, जैसे हम करते हैं क्रोटोन में इसके बैक में भी इस तरह से लीफ पे पानी का शावर देते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना पड़ता, ये इसी तरह फ्रेश रहता है। सिर्फ एक दफ़ा इसको पानी दे दीजिए दिन में, और अगर ज़मीन में है तो फिर आपको खुद अंदाज़ा होता है कि ज़मीन वाले पौधों को हम कब कब पानी देते हैं और कितना देते हैं। लेकिन ये सारे मेरे पॉट में लगे हुए हैं और ये खुद ब खुद लगे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने इनको देखा तो मैंने सोचा चलिए इन तीनों को इकट्ठे किया और करके सोचा आज मैं वीडियो बनाती हूँ। अच्छा, दूसरी बात मैंने बात की थी आपसे इसकी सॉइल मिक्सचर की, तो ये उन्हीं पौधों में से है जिसकी हमें ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती। लेकिन क्या ही अच्छा हो, अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा फ्लावर हो, बहुत फ्रेश हो, तो फिर आप इस तरह कीजिए कि इसके अंदर रेत की क्वांटिटी ज़्यादा कर दीजिए, जिससे रेत में रूट्स जो हैं वो बहुत अच्छी डेवलप होती हैं। और जब रूट्स अच्छी चलेंगी तो डेफिनेटली प्लांट आपका अच्छा ग्रो करेगा।
और अब जो मौसम है ये आ गया है फर्टिलाइज़र का, प्लीज़ प्लीज़ जल्दी से फर्टिलाइज़र दीजिए। अच्छा, इसमें ये नहीं है कि आपने कौन सी देनी है, कुछ प्लांट स्पेसिफिक होते हैं उनमें आपको बहुत ख्याल करना पड़ता है कि आपने कौन सी फर्टिलाइज़र देनी है, केमिकल देनी है, ऑर्गेनिक देनी है। लेकिन इसमें सिर्फ आप गोबर की भी खाद देंगे तो ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा और इससे कलर और ख़ूबसूरत निखर संवर के उभर के आएंगे। अरे ये जो है सेल्फ सीडलिंग की मैंने बात की, तो आप इस तरह कीजिए, जैसे ही ये ड्राई हो जाए, ड्राई होने के बाद इसके सीड्स आप इस तरह कलेक्ट कीजिए, टिश्यू में रखिए और रख लीजिए। आप समझते हैं कि जैसे मैं नेक्स्ट ईयर लगाना है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि इसको लगाना ही नहीं पड़ता। इसके कहीं ना कहीं सीड्स जब ये पक जाते हैं उड़ जाते हैं, इसके सीड्स उड़ते हैं तो जो हमारे इर्द गिर्द पॉट पड़े हुए होते हैं उनके अंदर ही चले जाते हैं और फिर ये खुद ब खुद इस तरह से प्लांट बनते चले जाते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, मैंने पहले ही बताया कई रंगों में होते हैं, मेरे पास येलो रंग का था लेकिन येलो नहीं है। इत्तफाक़ है कि ये तीनों जो मैंने अभी देखे ये रेड में हैं। तो उम्मीद है, उम्मीद क्या है, यकीनन आपको इंशाल्लाह अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।